जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अगेन आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ बेस्ट संडे की एक बढ़िया मल्टीवेदर स्टॉक की वीडियो। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मार्केट किस हिसाब से चल रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए। तो दोस्तों अब जो मैं लाया हूँ स्टॉक एक तरह से बोल सकते हो लॉन्ग कैप टाइप है, ठीक है। स्मॉल कैप से थोड़ा सा उठकर अब हम, क्योंकि स्मॉल कैप दोस्तों हो क्या रहा ऊपर कम जाएंगे, गिरने के चांसेस बहुत तेज आएंगे। तो मैं आप लोगों की सेफ्टी को देखते हुए अब वैसे स्टॉक लाऊंगा जिनके गिरने के चांसेस कम होंगे और ऊपर जाने के ज़्यादा होंगे, क्योंकि मार्केट को हमें मार्केट के तरीके से देखना चाहिए, उसके हिसाब से चलना चाहिए ट्रेंड के। तो चलिए दोस्तों इस बेस्ट स्टॉक वीडियो के लिए एक लाइक बनता है, लाइक हम टारगेट रखते हैं दोस्तों 2000 लाइक्स का, तो लाइक कर दीजिए। और दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग प्लस इंटरडे वालों के लिए बेस्ट पिक ये हो सकती है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और दोस्तों जो भाई लोग पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पहले स्टॉक की। स्टॉक दोस्तों 930 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहला टारगेट है इसका 970, दूसरा टारगेट है 1020 का यानी कि 1020 का, अगला टारगेट है दोस्तों इसका 1100 के आसपास का। तो दोस्तों तीन टारगेट है, 970, 1020 और 1100। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टॉक का लेवल इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ध्यान से देखना ये रेसिस्टेंस एरिया ये इसका 935 और 30। दोस्तों 930 और 935 के ऊपर की जो क्लोजिंग होगी वो इसको आराम से 1000 तक लेकर जाएगी। ध्यान से देखिए इस ब्रेकआउट चार्ट को, इसके ऊपर एक क्लोजिंग जाती है तो स्टॉक के टारगेट आराम से बढ़ रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों स्टॉप लॉस भी छोटा होगा लगभग इस कैंडल के लो का। तो दोस्तों जो आपका स्टॉप लॉस ही बनेगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बनेगा 888 का, ठीक है। तो स्टॉप लॉस छोटा है, मार्केट दोस्तों सेफ नहीं है, तो थोड़ा क्वांटिटी वगैरह अपने हिसाब से देख लेना कि किस हिसाब से काम करना है। और लॉन्ग टर्म के लिए भी दोस्तों बोल सकते हैं बढ़िया पिक है, ठीक है। सस्टेन होकर स्टॉक ऊपर जा रहा है, हो सकता है थोड़ा डाउन भी मिले दोस्तों, 920 भी आ जाए, तो ये एड ऑन जोन है इसका पूरा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, 46%, 10% FII और DII का। तो ओवरऑल दोस्तों देखोगे तो पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 8% का माल बचा, 92 बड़े लोगों के पास है। तो दोस्तों ये चीज़ भी एक प्लस पॉइंट की बात है कि भाई बड़े लोग इतना माल लेकर क्यों बैठे हैं, क्वेश्चन है ना। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो नेट प्रॉफिट देखोगे कंपनी का प्लस में ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ थोड़ा प्रॉफिट था, यहाँ थोड़ा कम हुआ है, बट ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट में ही चल रही है, तो यहाँ पर भी ये बढ़िया नज़र आ रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉक का पी का। स्टॉक का पी थोड़ा सा हायर वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है, तो ये थोड़ा सा बस बोल सकते हैं कि ज़्यादा है, बाकी ओवरऑल कंपनी अच्छी, 23,600 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों स्टॉक का नाम जान लेते हैं। स्टॉक का नाम है आई पी सी ए लैब, ठीक है। और अच्छा खासा जा रहा है दोस्तों रेसिस्टेंस के बाद। अब दोस्तों ये हो सकता है दोबारा नीचे करके 910 तक आए, उसके बाद ऊपर जाए, क्योंकि दोस्तों ये इसका एक हडल है ये वाला जोन 940 के ऊपर। जब कंटिन्यूस एक दो घंटे ट्रेड करेगा तब इसमें एंट्री बनती है, आप यहाँ भी कर सकते हो, बट दोस्तों हो सकता है गिरकर 920 आ जाए। तो 10 यहाँ लिए, अगर 5 शेयर यहाँ लिए तो भी बेस्ट है, यहाँ तक भी इसका बाइंग जोन है, ठीक है। और स्टॉप लॉस दोस्तों वो क्लोजिंग बेस का है, 870 का रख लेना, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो। बाकी दोस्तों डिस्क्लेमर आप लोग ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों अगर आप लोगों को बेस्ट मल्टीप्लेक्स स्टॉक की वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।